1960 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था टू किल ए वॉकिंग बर्ड, और इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज अवार्ड दिया गया था इन 1961 में. ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड इनका सेकेंड नॉवल था, और सेकेंड नॉवल वॉज गूस सिटी वॉचमैन. क्या इस नॉवल में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं तो उनको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट वन इज स्काउट फिंच. स्काउट फिंच जो कि इस नॉवल की नरेटर है, 6 ईयर ओल्ड है. एंड जिम फिंच उसके उसका ओल्डर ब्रदर है. तो स्काउट और जेफ फिंच ये 2 चिल्ड्रेन हैं इस नॉवल में. और एटिकस इनके फादर का नाम है. एटिकस ही इज अ मिडिल एज लॉयर, इनके फादर हैं. कालपूर्णिया, कालपूर्णिया एक ब्लैक मेड है, कुक है इनकी, इन लोग के साथ में रहती है. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रज्ञा बी एन एम इंग्लिश लिटरेचर. सो गाइस, इन दिस वीडियो टुडे आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक. हार्पर ली का नॉवल है टू अ किल अ मॉकिंग बर्ड. दिस इज गिवन इन योर सिलेबस. यू कैन सी हियर हार्पर ली इज नॉवलिस्ट. इनका नॉवल है टू किल ए मॉकिंग बर्ड. तो इस नॉवल को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. एंड दिस इज फॉर बी पार्ट 3 सेमेस्टर 5. एंड योर पेपर नेम इज ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन. ओके, सो दिस इज गिवन इन यूनिट 6 अमेरिकन फिक्शन. तो यूनिट 6 अमेरिकन फिक्शन में आपका सिलेबस में दिया हुआ है हार्पर ली का नॉवल है टू किल ए मॉकिंग बर्ड. तो इसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड इसके पहले हमने ऑलरेडी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी कर लिए हैं. वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में सर्च करना है बीई पार्ट 3 सेमेस्टर 5 ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन. तो वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी. एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एज यू ऑल नो. सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है. चाहे आप वीवीएस वीयू से हो, एमजी केवीपी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जेएसयू, आरएमपीएससी, कहीं से भी हो, सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है. या अगर आप इंडिया के किसी अदर स्टेट से भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके सिलेबस में हार्पर ली का टू किल ए मॉकिंग बर्ड नॉवल दिया हुआ है, तो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है. लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस अबाउट हार्पर ली. हार्पर ली एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, तो इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इनका नॉवल हम स्टडी करेंगे इसी वीडियो में. ओके, सो हार्पर ली, हार्पर ली इनका टाइम ड्यूरेशन है फ्रॉम 1926 टू 2016. ओके, एंड सी इज एन अमेरिकन नॉवल लिस्ट. इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. सो इनका जो कंप्लीट नेम है दैट इज नीली हार्पर ली. नीली हार्पर ली. नीली इनका इनकी ग्रैंड फादर इनकी ग्रैंड मदर का नेम था. एंड हार्पर ली सी इज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट. इनका बॉर्न हुआ था मोनरोविले अल्बाना US में. ओके, और इनकी एजुकेशन भी वहीं से हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा से ही. और ये अपने नॉवल के लिए जानी जाती हैं टू किल ए मॉकिंग बर्ड. सी वन पुलित्जर प्राइज फॉर हर नॉवल टू किल ए मॉकिंग बर्ड इन 1960 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था टू किल ए मॉकिंग बर्ड, और इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज अवार्ड दिया गया था इन 1961 में. ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड का सेकेंड नॉवल था, और सेकेंड नॉवल वॉज गूस सिटी वॉचमैन. दिस वॉज पब्लिश्ड इन 2015 एज ए सीक्वल. 2015 में ये पब्लिश हुआ था गूस सिटी वॉचमैन. सो अब हम इनके नॉवल टू किल ए मॉकिंग बर्ड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्या इसकी स्टोरी है, क्या कैरेक्टर्स हैं. सो लेट्स इंट्रोड्यूस अबाउट द नॉवल टू किल ए मॉकिंग बर्ड. ओके, तो नॉवल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, इंट्रोडक्शन टू द नॉवल. ओके, सो दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन जून 1960, और इस नॉवल के लिए हार्पर ली को पुलित्जर प्राइज अवार्ड मिला था 1961 में. बता दिया है मैंने आपको पहले ही. सेकेंड पॉइंट, बिकेम क्लासिक्स ऑफ मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर. और ये जो वर्क है नॉवल टू किल ए मॉकिंग बर्ड, दिस बिकेम क्लासिक ऑफ मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर. इसको मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर का क्लासिक भी बोला जाता है. और ये एक बिल्डक्स रोमन नॉवल है, एंड इसका जो थीम है डैट इज रेसियल इनजस्टिस, ब्लैक एंड वाइट मैन उस टाइम में है. नरेटर, इसका जो नरेटर है इस नॉवल का, नरेटर है जीन लुइस फिंच. इनका निक नेम है स्काउट इस नॉवल में, जो कि 6 ईयर ओल्ड होती हैं एट बिगनिंग ऑफ बुक. जब इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है तो वो 6 ईयर ओल्ड होती हैं, अपने ब्रदर और अपने विडोड फादर के साथ में रहती हैं. सेटिंग है इसकी मेकॉम अल्बाना, यहाँ की सेटिंग रखी गई है. प्लेस नेम है ये मेकॉम अल्बाना की. एंड कैरेक्टर्स पे आते हैं. ओके, क्या इस नॉवल में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं तो उनको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट वन इज स्काउट फिंच. स्काउट फिंच जो कि इस नॉवल की नरेटर है, 6 ईयर ओल्ड है. एंड जेम फिंच उसके उसका ओल्डर ब्रदर है. तो स्काउट और जेम फिंच ये 2 चिल्ड्रेन हैं इस नॉवल में. और एटिकस इनके फादर का नाम है. एटिकस ही इज़ अ मिडिल एज लॉयर, इनके फादर हैं.
पूर्णिया, काल पूर्णिया एक ब्लैक मेड है, कुक है इनकी, इन लोग के साथ में रहती है, एटिकस की हेल्प करती है। एंड डिल, डिल एक बॉय है जो कि विजिट करता है मेकॉम, उस प्लेस में रहने आता है कुछ टाइम के लिए। एंड आर्थर बू रेडले, आर्थर बू रेडले ये एक मिस्टीरियस पर्सन है इस नॉवल में, उनका पड़ोसी है देयर नेबर। एंड टॉम रॉबिन्सन, टॉम रॉबिन्सन एक ब्लैक मैन है, ही इज़ अक्यूज ऑफ रेपिंग ए यंग वाइट वुमेन। इस नॉवल में जब रीड करेंगे तो हम पाते हैं कि उस पर एक चार्ज लगा हुआ है फॉर रेपिंग ए यंग वाइट वुमेन। उस यंग वाइट वुमेन का नेम है मेला इवेल, एंड बॉब इवेल इज हर फादर। ओके, तो ये स्टोरी है। स्टोरी की जब स्टार्टिंग होती है तो जो नैरेटर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो स्काउट फिंच है, 6 ईयर ओल्ड है। एक्चुअली में ये जो नॉवल है इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं। तो स्काउट फिंच और जेम फिंच ये टू ब्रदर और सिस्टर हैं, स्मॉल चिल्ड्रेन हैं, 6 ईयर ओल्ड हैं। अपने फादर के साथ में ये रहते हैं, एटिकस का नाम है, एक लॉयर है वो। और कैलिफोर्निया उनकी मेड है, हेल्प करती हैं, ब्लैक मेड है एक। एंड इनके पड़ोस में एक मिस्टीरियस पर्सन नेवर रहता है, उसका नाम होता है आर्थर बू रिडले। रिडले एक मिस्टीरियस पर्सन है, उसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं, उसके बारे में र्यूमर्स फैली हुई हैं। तो ये जो चिल्ड्रन हैं, दोनों बच्चे, उसके घर में कभी कभी जाते हैं, ताक झाँक करके चले आते हैं। एंड टॉम रॉबिन्सन, टॉम रॉबिन्सन ये एक ब्लैक मैन है जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है रेप का। तो एटिकस को ये वर्क मिलता है उसको डिफेंड करने के लिए, टॉम रॉबिन्सन को कोर्ट में उसकी तरफ से वो डिफेंड करे, लॉयर बने उसकी तरफ से। बट एटिकस को ये पता है कि चूंकि वहाँ पे रेसिसिज्म चल रहा है ब्लैक एंड वाइट मैन में, तो वाइट लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वाइट लोगों की ज़्यादा सुनी जाएगी। तो उसको पता है एटिकस को कि वो इस केस को वो हार जाएगा, बट फिर भी उसको वो कंटिन्यू करता है। टॉम रॉबिन्सन को प्रिजन में डाल दिया जाता है, और फिर पता चलता है कि प्रिजन के दौरान उसको शूट कर दिया गया है, वो प्रिजन से भाग रहा था इस वजह से। एंड आगे हम नॉवल में देखते हैं कि बॉब एविल वो एटिकस को थ्रेटन करता है, उसको धमकियाँ देता है। और जब उसके टू चिल्ड्रन होते हैं ये स्कूल से लौट रहे होते हैं, तो वो उनको किडनैप कर लेता है, उन पर अटैक करता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एक मिस्टीरियस पर्सन होता है, वो आके इन लोग को सेव करता है, बचाता है। वो होता है रेडले, वो रेडले पर्सन होता है, इन लोगों को बचाता है। एंड वो सेफली उनको अपने घर ले आता है, और ये जो चिल्ड्रन होते हैं ये दोनों उसके घर जाते हैं। एंड उसके पोर्स से वो बाहर का नज़ारा देखते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में इस नॉवल में ये बात है कि जो उनके फादर होते हैं, उनको उन्होंने टीच किया होता है चिल्ड्रन को कि किसी को भी जज करने से पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो लास्ट में रेडले के घर पे जाते हैं, उसके पोर्स से बाहर की दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं उसके नज़रिए से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में शॉर्ट में बता दिया है इसकी क्या स्टोरी है इस नॉवल की, बहुत ही शॉर्ट में। आई होप ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको अपने टेक्स्ट बुक में रीड करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं विद अनदर न्यू टॉपिक। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लास फ्रेंड्स ऑल्सो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।